Assalamu alaikum guys, I'm your host Mavish Chumil. Welcome to another episode of Youth and Style. आज हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल पे. यहाँ पे हम करेंगे यहाँ की यूथ से उनके फैशन पे बात. तो आइए चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? योयो बल्टी. योयो बल्टी, बड़ा स्टाइलिश नाम रखा है अपने हेयर स्टाइल के जैसे. जी बस मैं बस हेयर स्टाइल में रखता हूँ क्योंकि हेयर स्टाइल इज माई लाइफ. ये हुडी है, ये मैंने देखा कि कौन से कपड़े साफ होते हैं, यही पड़े हैं, मैं निकालो और पहनो इसको. सुन, ये साफ है? okay. ये साफ है? हाँ, ये थोड़ा बहुत साफ ही है. थोड़ा वो, हाँ, मुझे लग रहा है 6 महीने पुराने ही लग रहे हैं. बहुत ज़्यादा वो तो आपको पता होगा ना. अपने शूज़ के बहुत गंदे हैं, क्यों? क्योंकि यार मर्द के शूज़ गंदे रहने चाहिए, पता चलता है कि काम कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. आपका नाम? चंदा खान. चंदा, कैसी हैं आप? ठीक. चंदा, मुझे पहले बताएं अपनी ड्रेसिंग के बारे में जो आपने आज पहने. ड्रेसिंग मुझे मैचिंग करने का बहुत शौक है और विदाउट मैचिंग मैं कुछ भी नहीं पहनती. मेरा होता है कि अगर मैंने हुड पहना तो उसके साथ जॉगर्स एंड सॉक्स बिल्कुल मैच करता हुआ, उसका वजह से बिल्कुल मैं बहुत कॉन्शियस है इस मामले में, स्पेशली जॉगर्स के मामले में. तो इसलिए मुझे होता है मैचिंग, एवरीथिंग मैचेस, मैच होता क्या अच्छा लगे पर्सनली. उमैस, बहुत अच्छी लग रही हो आप. मुझे अपनी ड्रेसिंग के बारे में बताओगे, सर से लेके अपनी टेल पोनी से लेके अपने लॉन्ग शूज तक, ठीक है? वॉच का भी मुझे बताएंगे आप, ठीक है? तो जो मेरी ड्रेसिंग है, आज मैंने ये वाइट कलर का बैगी स्टाइल में शर्ट पहना है और ब्राउन जीन्स, क्योंकि ज़रा डिफरेंट सा था और मुझे अच्छा लगा था. और जो मेरे शूज़ के अबाउट, विंटर है तो ज़रा ख़ुद को कवर भी करना ज़्यादा, इसलिए मैंने ये शूज़ पहने. और वॉच पहनना मेरी हैबिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा स्टाइल है एक डिफरेंट सा. मेरी ड्रेसिंग ओकेजनली होती है, जिस तरह का मौका है उस तरह की ड्रेसिंग करती हूँ. बाज़ार गई हूँ और कुछ डिप्रेसिव सा इन्वायरमेंट है, दुपट्टा भी ले लेती हूँ. मैं बिल्कुल भी किसी किस्म के सोसाइटी प्रेशर को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ. अब अगर मेरा भाग दौड़ का काम है तो मुझे जॉगर्स भी पहनने पड़ते हैं, अगर फॉर्मल सा है कोई फंक्शन है तो मुझे हील भी पहननी पड़ती है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मूड एंड ऑन द फंक्शन एज वेल. हेयर स्टाइल मैंने पहला, मैं तो पहला योयो हनी सिंह के फ्रेंड है, तो उस वजह से मैं योयो जैसे हम स्टाइलिंग करता था. इसके बाद जाकर योयो, इसके बाद जाके उसके बस ख़त्म हो गया योयो बस. अब इसके बाद मैं अपना कुछ स्टाइल करेंगे क्योंकि योयो बल्टी आ गया. तो मैं योयो पाकिस्तानी भी हूँ और लैंग्वेज इज माई लैंग्वेज इज योयो बल्टी, बल्टी इज माई लैंग्वेज, आई एम योयो बल्टी. तो मैं अपने स्टाइलों को मैं हमेशा बस लंबे रखना चाहता हूँ, जैसे हम खाते हैं टाइम टाइम से खाते हैं, इसीलिए इसको भी खुराक मिलना चाहिए कि इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि बाल आगे पीछे जाए किधर नहीं जाए, इस स्टाइल का भी थोड़ा एहतियात करना पड़ता है. अच्छा, योयो बल्टी इधर के क्यों बढ़ा रहे हो, इधर के क्यों खत्म, इधर खुराक नहीं देनी? नहीं, ये क्योंकि स्टाइल है. इसमें वॉच के विदाउट वॉच तो बाहर नहीं निकलती है, और क्योंकि मेरा जब तक फैशन कम्प्लीट नहीं हो तो. और मैं इसके बारे में, और स्पेशली मेकअप तो मैं बहुत करती है, बचपन से करी मेकअप का मुझे बहुत शौक है. और यहाँ मैं अलहमरा में वोकल क्लास का स्टूडेंट है और गाती है उर्दू पंजाबी सीखती, मतलब मैंने यहीं से लर्न भी किया है. तो इस वजह से मुझे बहुत होता है कि जब अलहमरा में आओ तो पर्सनैलिटी जो आपका होता है, स्पेशली हाइट वाइज मेरा हाइट, क्योंकि माशाल्लाह बहुत लंबा है, उसका वजह से मैं चाहती है कि वैसे ही लगे परफेक्ट किस्म का थ्रू फुट टू हेड. तो उसका वैसे फिर मैंने ये होता है कि टॉप अगर पहना है और नीचे अगर शर्ट ब्लैक है तो फिर जो है टाइट वो भी ब्लैक होना चाहिए, जॉगर्स पहना है तो उसके साथ फिर सॉक्स भी मैच होना चाहिए, ताकि आपका पर्सनैलिटी जो है ना वो लुक आपका ओवरऑल बहुत अच्छी लगे. और स्पेशली आई थिंक वैसे ही होना भी चाहिए क्योंकि इससे हर इंसान अच्छा लगता है और देखने वाला भी अच्छा समझता है और आपका पर्सनैलिटी खुद भी अच्छा लगती है. हसन, आप यहाँ पे आते हो, ओबियसली यहाँ पे इतने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? वो ड्रेसिंग करके आते हैं, वो भी आपको कहते होंगे यार हसन कभी तो शूज़ साफ़ किया कर, कभी तो ये मन्नत चेंज कर ले, ऐसे कहते ही होंगे. तो फिर आपको नहीं लगता कि आपको कर लेना चाहिए? नहीं हसन, मुझे लगता है करना चाहिए. चलो आप बोल रहे हो तो कर ले. हाँ, अगली दफ़ा आई होप कि मैं आपको देखूँ तो फिर आप ज़रा अच्छे हालात में मुझे नज़र आए. ड्रेसिंग वाली इज़ अ गुड मैनर, और मुझे वैसे भी इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा फैशन में,
और इसीलिए मैं इसको फॉलो करती हूँ और इंशाल्लाह डिज़ाइनर ही बनूंगी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा उमैस, हमारी ऑडियंस जो है इन्हें क्या मैसेज दोगी फैशन के लिए? फैशन के लिए तो हर कोई चाहता है कि हम सबसे अच्छे दिखें और उसके लिए फिर हमें फैशन को फॉलो करना चाहिए। अच्छा अपने ग्लासेस का बताओ ज़रा, शीशे कहाँ गए इसके? बस शीशे मैंने उतार लिए, अब लोग देखते हैं कि इसको शीशे लगा हुआ है, मगर आगे देखा तो नो। आप ऑडियंस को क्या टिप देंगे ड्रेसिंग के लिए, उनको कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए? भैया ड्रेसिंग अगर करनी है ना, बाल बड़े हों आपके, ठीक है, और पापा, और पापा के कहने पे बिल्कुल भी नहीं कटवाने, और पापा के साथ कभी भी कटिंग वाली दुकान पे नहीं जाना, ठीक है ना। और ड्रेसिंग के बारे में, आप ड्रेसिंग ऐसी करो, बम्ब हो और आपके हाथ में एक अच्छे वाला सिगार हो और अच्छे वाली दारू की बोतल हो और फिर पर्सनैलिटी लगती है कि यार ओके। तो हसन मैं भी चाहती हूँ कि आप ऐसे लगे तो लोग आपको देखेंगे वाओ नॉट ओके। वो एक टाइम था जब हम थे वाओ, अब हम नहीं हैं, हम ओके। ये आपका ओके है, ये बहुत थका हुआ ओके, थका हुआ ओके है। अपने ड्रेसिंग के बारे में बताओ, कोट पहना है, शर्ट बड़ा ही मेला कोट है, क्यों? क्योंकि ये कोट ये है क्योंकि बस बारिश हो गई है, अब बारिश हो गई तो धोना नहीं पड़ता है। अब किस लिए? क्योंकि अब मैं जो भी पहनूं स्टाइल होता है। चंदा अपना मेकअप के बारे में बताएं, कौन सा ब्रांड मतलब के यूज़ करती हैं आप मेकअप में? मेकअप के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, मेकअप बहुत करती हूँ, अब विदाउट, ये नहीं कि मैं आज अच्छी लगूँ तो इसलिए मेकअप करती हूँ, ना ना, मेकअप तो मैं, मेरा कोशिश होता है कि सोए भी हो तो मेरा मेकअप जो है ना वो इधर उधर ना हो जाए, और मैं स्पेशली आप सोए भी मेकअप कर रही होती? मतलब मुझे होता है, और मैं इसलिए मैं अगर कोई किसी बात पर नाराज़ हो जाना पापा जी के साथ या किसी बहन भाई के साथ तो वो कहते हैं अल्लाह का खौफ कर तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, ज़रा शक्ल इधर उधर हुई तो, इसलिए मैं बहुत कॉन्शियस हूँ मेकअप के बारे में, स्पेशली बहुत कॉन्शियस है। ये मुझे माला सी लग रही है। नहीं, क्योंकि ये लॉकेट है, दिस इज माय स्टाइल, अब देख जब ऐनक उतरने लगे अब होंगे। बहुत अच्छा, ये बोलती बहुत अच्छे लग रहे हो, बस थोड़ा नहा लिया करो और कपड़े साफ पहन लिया करो, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेकेंडली, बड़ी अच्छी कहावत है कि खाओ मन भाया और पहनो जग भाया, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सोसाइटी के जो जितने मेयार और स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेकर बंदा चले। सो गाइस, ये था आज का शो, होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही फैशन के बारे में अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। इट्स माय विश टू मिल, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।